सूचना मिली थी कल के एक चाइनीज लेडी जिसका नाम सॉन्ग ज़ियोलिन है, वो जो है भारत में उसका जो है वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, उसके बाद भी वो रह रही है और उसकी बोध गया में होने की सूचना है कि बोध गया में वो वहां पावन दलाई लामा की शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई हुई है, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर्ड है। तो इसके लिए हमको निर्देश मिला था जांच करने के लिए, और फिर अगर तर जो भी वीजा उल्लंघना के तहत कार्रवाई होती है वो करने के लिए। तो इसमें हमने फिर सभी जो है वहां पे होटल्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहां पे हमने जांच किया, इस चीज को पता करवाया कि इस नाम की जो महिला है कहाँ रह रही है। तो फिर ये पता चला कि एक महारानी रोड में एक गेस्ट हाउस है, वो वैसे तो वो बंद रखते हैं, लेकिन जब ये टूरिस्ट सीजन होता है जहाँ हिज हॉलीनेस का विजिट होता है उस टाइम में ये टूरिस्ट के लिए खोलते हैं। तो वहां पे ये महिला रह रही थी, वहां पे ये लोकेट हुई है। तो इसका जो है ये महिला पहले 19 अक्टूबर 2019 को भारत आई थी, और उसके बाद ये January 2020 में 4 दिन के लिए नेपाल गई थी, फिर 20 January 2020 को यहाँ इंडिया में तब से रह रही है। तो इस पूछताछ में जो इसने बताया है कि जब हिज हॉलीनेस January 2020 में यहाँ पे थे उस टाइम पे भी ये उनकी टीचिंग्स लेने के लिए यहाँ आई थी 2-3 दिन के लिए, और अभी क्योंकि वीजा की वायोलेशन किया है, इसमें क्या है कि एक स्ट्रेच में एक बार 90 ही दिन जो है वो रहने का प्रावधान है। तो क्योंकि ये 20 January 2020 से लगातार रह रही थी जिसमें ये वापस नहीं गई 90 दिन के बाद, तो वीजा की जो टर्म्स हैं उसका वायोलेशन किया है। तो उसके तहत FRRO कलकत्ता से इन्फॉर्मेशन आई थी जिसका हमने जांच किया। तो उसके उपरांत जो है हमने कलकत्ता FRRO से बात किया, तो उन्होंने एक लीव इंडिया नोटिस इशू किया है जो कि हम इनको सर्व कर रहे हैं, और इनका वीजा इमीडिएटली कैंसिल किया गया है। जो वीजा अदरवाइज 2024 तक रहता है, लेकिन उसमें प्रावधान ये होता है कि एक बार में वो सिर्फ 90 दिन ही रह सकते हैं, जो कि इन्होंने उसका उल्लंघन किया है। तो उसके तहत इनका वीजा कैंसिल किया गया और उनको लीव इंडिया का लीव इंडिया नोटिस इशू किया गया है। इसके उपरांत जो है हम FRRO दिल्ली के साथ बातचीत कर रहे हैं अगरतर कार्रवाई है। तो अभी इनका जो है जांच किया गया है, हमारी विभिन्न एजेंसीज हैं वो भी पूछताछ की हैं, इनका रूम का भी सर्च हुआ है। तो अभी तक जो है यही चीज सामने आई है, और बाकी अन्य जो जांच है वो हमारी जारी है, अभी तक यही है। ये सूचना थी कि ऐसी बातें आ गई थी कि ये जासूस है, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है, ऐसा ना तो कोई ऑफिशियल वर्जन दिया गया है ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कहीं से निर्गत हुआ है, वो सिर्फ मीडिया की तरफ से ही क्रिएट किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक आया है जो मैंने आपको बताया, लेकिन बाकी जो है अभी इसमें जो है पूछताछ जो है हमारी जांच एजेंसी कर रही है, अभी तक जो आया है वो मैंने आपको बताया है। केवल ओवर स्टे का मामला है अभी तक, ओवर जो प्रथम दृष्टि अभी जो मामला है वो ओवर स्टे का मामला है। ये 22 दिसंबर को आई है यहाँ पे। कब तक का वीजा था और कब से ओवर स्टे? जो मैंने बताया कि इनका वीजा 2024 तक था और 20 January 2020 से यहाँ आई है, तो 20 January 2020 से 90 दिन तक का इनका वीजा था, क्योंकि ये वापस नहीं गई दोबारा, तो वीजा की टर्म्स का इन्होंने उल्लंघन किया जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। जो इनसे पूछताछ किया गया है तो इन्होंने यही बताया कि आपने वापस क्यों नहीं गई, तो इन्होंने बताया कि उसके बाद कोरोना आ गया था जिसके चलते ये धर्मशाला में एक मोनेस्ट्री में रुकी हुई थी तब से, तो धर्मशाला में ही रह रही थी। अभी धर्मशाला से 22 दिसंबर इसी साल अभी 7 दिन पहले यहाँ पे बोध गया में आई है। तो इनका कहना है कि हम दलाई लामा जी की टीचिंग्स को सुनने के लिए आए थे। इतना लंबा ओवर स्टे होने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो क्या इसमें माना? देखिए उसके लिए क्योंकि वो धर्मशाला में रह रही थी, तो उसके लिए जो है हम वहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश जो पुलिस है उसको हम लोग इस संदर्भ में जो है पत्राचार कर रहे हैं, बाकी की जो भी है वो आगे वो जांच करेंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी तो उसके तहत FRRO कलकत्ता को सूचित किया गया है, FRRO कलकत्ता की तरफ से इनका वीजा कैंसिल कर दिया गया है, आज लेटर हमारे पास आया है, और इनको लीव इंडिया का नोटिस इशू किया जो हम इनको सर्व कर रहे हैं, और आगे की कार्रवाई के लिए इनको डिपोर्ट किया जाएगा जिसके लिए FRRO दिल्ली के साथ हमारी बातचीत हो रही है। तो अभी कहाँ है ये? अभी बोधगया में। तो आपके इसमें
कस्टडी में रहेंगे अभी तो इनको पूछताछ के लिए डिटेन किया था, वही पूछताछ अभी चल रही है। क्या इसमें सजा हो पाती है? तो वही मैंने बताया इसमें कि जो है कि इसमें अगर उल्लंघन करते हैं तो इनको लीव इंडिया नोटिस इश्यू होता है, वीजा कैंसिल होता है और डिपोर्टेशन की कार्रवाई होती है। और अन्यथा जो उन्होंने हमको एफआरआरओ ऑफिस में बताया है कि प्रोसिक्यूशन का भी कार्रवाई होता है, लेकिन क्योंकि जो लेटर हमको मिला है इसमें यही था कि लीव इंडिया नोटिस इनको सर्व करें और एफआरआरओ दिल्ली को भेजे डिपोर्ट करने के लिए, वही तहत हम लोग कार्रवाई जो कर रहे हैं।